हेलो एवरीवन, हमने पिछले लेक्चर में डेटा प्री प्रोसेसिंग की आवश्यकता और उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ा था। डेटा प्री प्रोसेसिंग के चार टास्क होते हैं, डेटा क्लीनिंग, डेटा इंटीग्रेशन, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन एंड डेटा रिडक्शन। इस लेक्चर में हम डेटा क्लीनिंग क्या होती है, इसकी आवश्यकता क्या है और डेटा को क्लीन कैसे किया जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट वी डिस्कस व्हाट इज़ डेटा क्लीनिंग। किसी डेटाबेस टेबल या रिकॉर्ड सेट के करप्ट और इनएक्यूरेट रिकॉर्ड्स का या डेटा को आइडेंटिफाई करना कि वह इनकम्प्लीट, इनकरेक्ट, इनएक्यूरेट और इररिलेवेंट है तथा उस डर्टी डेटा को रिप्लेस, मॉडिफाई या डिलीट करने की यह प्रक्रिया ही डेटा क्लीनिंग कहलाती है। डेटा साइंटिस्ट अपना 70% से ज़्यादा टाइम डेटा क्लीनिंग और डेटा प्री प्रोसेसिंग टास्क पर लगा देते हैं। इससे ही हम समझ सकते हैं कि डेटा क्लीनिंग प्रोसेस कितनी इम्पोर्टेंट है। डेटा को किस तरह से क्लीन किया जाना है, उससे पहले हम डेटा क्लीनिंग के स्टेप्स को डिस्कस करेंगे, जिससे हमें डेटा क्लीनिंग कितने स्टेप्स में हो रही है यह मालूम चल सके। फर्स्ट पॉइंट है पार्सिंग, जो पार्सर के थ्रू होती है। सबसे पहले जो डेटा सोर्सेज से एक्सट्रैक्ट होकर आ रहा है उसकी पार्सिंग की जाती है थ्रू द पार्सर। उस डेटा के अंदर जो इंडिविजुअल एलिमेंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, लोकेट किया जाता है। जब एक बार वो लोकेट हो गए डेटा आइटम्स, तो उन एलिमेंट्स को टारगेट फाइल में आइसोलेट कर दिया जाता है। जैसे आपके फुल नेम को फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम में आइसोलेट कर टारगेट फाइल में स्टोर कर दिया जाए। इस तरह से रॉ डेटा की पार्सिंग की जाती है। दूसरे बिंदु की बात करें, करेक्टिंग। डेटाबेसेस में कई बार हम एम्बिगुअस एड्रेसेस या अस्पष्ट एड्रेस डाला हुआ होता है, तो डेटा एल्गोरिदम की हेल्प से उसे इम्प्रूव किया जाता है। जैसे उस एड्रेस में पिन कोड ऐड कर दिया जाए, जिससे हमारा डेटा करेक्ट और कंसिस्टेंट रहे। करेक्टिंग में इंडिविजुअल डेटा एलिमेंट्स पर डेटा एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट किया जाता है ताकि डेटा करेक्ट रहे। स्टैंडर्डाइजिंग, डेटा सोर्सेज से प्राप्त डेटा विभिन्न फॉर्मेट में प्राप्त होता है। जैसे किसी डेटा को मीटर्स में, डेटा को सेंटीमीटर में या इंचेस में मेज़र किया गया हो, ये विभिन्न मेज़र फाइनल रिजल्ट को प्रभावित करेंगे ऑब्वियसली। इसलिए इन्हें कॉमन फॉर्मेट या स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में कन्वर्ट करना आवश्यक होता है। इसलिए इस स्टेप पर सभी डेटा आइटम्स को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाता है, जिससे डेटा नेक्स्ट लेवल पर कंसिस्टेंट होकर जा सके। इसे कंसिस्टेंट या एक्सेप्टेबल फॉर्मेट में रखना बेहद ज़रूरी है। मैचिंग में जितनी भी डेटा आइटम्स की रिडंडेंसी या डुप्लीकेसी या डेटा डुप्लीकेशन को मैच करते हैं पार्स डेटा, करेक्टेड डेटा, स्टैंडर्ड डेटा के साथ में, मैचिंग से हमें डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को एलिमिनेट करने में हेल्प मिलती है, जिससे एक डेटा आइटम्स दो बार अलग अलग जगहों पर स्टोर नहीं रहेगा तथा इससे स्टोरेज कॉस्ट भी बचेगी। ऑब्वियसली जब डुप्लीकेसी नहीं होगी तो स्टोरेज कॉस्ट बचेगी, अगर डेटा रिडंडेंसी बढ़ेगी तो स्टोरेज कॉस्ट भी बढ़ेगी। इसीलिए मैचिंग के द्वारा इसे एलिमिनेट कर दिया जाता है। कंसोलिडेशन, डेटाबेस में बहुत सारे रिकॉर्ड्स एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, उन्हें हम एक रिलेशन या एंटिटी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कंसोलिडेट कर सकते हैं इनटू वन यूनिट। डीलिंग विद मिसिंग डेटा, कई बार इंटर डेटा की कुछ वैल्यूज़ या फील्ड्स मिसिंग होती हैं जो इम्पोर्टेंट होती हैं। जैसे कई बार हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन में से ब्लड ग्रुप, एज, वेट आदि इन्फॉर्मेशन मिसिंग होती है। इन मिसिंग वैल्यूज़ को कैसे फिल किया जाता है, इसके बारे में हम डेटा क्लीनिंग के पार्ट टू वीडियो में देखेंगे। डीलिंग विद नॉइजी एंड इनकरेक्ट डेटा, कई बार मैनुअल मिस्टेक से सिस्टम या हार्डवेयर मेल फंक्शनिंग इररिलेवेंट डेटा को एलिमिनेट कर डेटा क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस लेक्चर।